नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मेष राशि 10 और 11 तारीख को बनेगा आपकी गोचर कुंडली में महालक्ष्मी योग, बहुत ही शुभ योग है। तो आइए जानते हैं यह शुभ योग आपको क्या परिणाम देने वाला है इस आने वाली 10 और 11 मार्च को। तो आइए कुंडली आपके सामने है, पहले कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह शुभ योग कौन से भाव में बनेगा, किस राशि में बनेगा। तो आपके लग्न में बन रहा है यह योग। देखिए जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है वहां पर बन रहा है यह शुभ योग। मंगल और चंद्रमा बैठे हैं प्रथम भाव में लग्न में, मंगल अपनी ही मेष राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाले हैं। तो आपने देख लिया कि कहां पर बन रहा है यह शुभ योग, तो आप एक अच्छे दिनों की कल्पना कर सकते हैं इन दो दिनों में। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। निश्चित ही मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में मार्च का महीना बहुत अच्छे फल लेकर आया है और आपके लिए यह दो तारीखें भी बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। महालक्ष्मी की कृपा के कारण धन की वर्षा आपके ऊपर छप्पर फाड़ कर हो सकती है। जीवन में सफलता निश्चित ही मिलेगी, किसी भी प्रकार की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यह योग किसी राजयोग से कम नहीं है। पैसा, धन, मान सम्मान आपको सभी कुछ प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में खुद को खुश पाएंगे और अन्य लोगों को भी खुश करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके जीवन में खुशियां चारों तरफ होंगी और आपके आसपास का वातावरण भी बहुत बेहतरीन होगा। विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, चले आ रहे तनाव समाप्त होंगे और आप लोगों की नजदीकियां बढ़ेंगी और आप लोग एक अच्छा समय बिता पाएंगे, क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे इन दो दिनों में। लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आपके घर आने को तैयार है। आपके अंदर एक अद्भुत साहस होगा, क्षमता होगी। आप किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे बल्कि स्वयं निर्णय लेंगे और उन निर्णयों पर आप खरे भी उतरेंगे और बहुत बढ़िया काम आप करने वाले हैं। इस समय में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। आपका बस एक ही लक्ष्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा, मन में एक ही विचार होगा कि कैसे मैं अपनी नौकरी, व्यापार, शिक्षा या जीवन से जुड़ा हुआ कोई और अन्य मामला है उसमें सफलता कैसे पाऊं। आपको सिर्फ सफलता दिखाई पड़ेगी, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी और उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया, वैसे ही आपको सिर्फ अपना लक्ष्य, सफलता ही दिखाई पड़ेगा इन दो दिनों में और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको लाभ भी होगा। मां लक्ष्मी का संबंध सीधे धन से होता है, इसको धन योग भी बोलते हैं। तो कहीं आप चाहे महालक्ष्मी योग बोल लें, चाहे धन योग बोल लें, चाहे लक्ष्मी योग बोल लें, हर जगह पे पैसा, मान सम्मान, शोहरत जुड़ा हुआ है। काम का अधिक होना थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट दे सकता है, पीड़ा दे सकता है। जब आप सफलता के मार्ग पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आराम करने का मौका कम मिलेगा, भाग दौड़ ज्यादा होगी, मानसिक चिंताएं ज्यादा होंगी, दिमाग को खर्च करना पड़ेगा अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाने के लिए। भागदौड़ हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, समय पर भोजन शायद खाने को ना मिले क्योंकि काम की व्यस्तता होगी, मीटिंग्स होगी, रात रात भर आप शायद सो ना पाएं या कम सो पाएं, तो इस वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। आप आधुनिकीकरण में विश्वास रखेंगे, यानी कि जमाने के साथ चलने वाले महिला या पुरुष होंगे। आप शत्रुओं के बीच में अपने हिस्से की सफलता निकाल कर ले आएंगे, यानी प्रतिद्वंदियों के बीच में से आप अपने हिस्से की सफलता को निकाल कर ले आएंगे, या कहें कि शेर के मुंह से आप निवाला छीनने का दमखम रखेंगे। तो इतनी बढ़िया सफलता आपको इस समय में मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आप एक अद्भुत रणनीति बनाएंगे और आपकी सफलता उस रणनीति को साकार करेगी और आपका जीवन साथी भी आपका सहयोग देगा या वह भी तरक्की करेगा अपने क्षेत्र में, या आप दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आप दोनों लोगों की तरक्की होना निश्चित है। सफलता पाने के लिए आपको काम अधिक करना पड़ेगा, व्यस्तता के कारण आपका जीवन साथी या परिवार के साथ कम वक्त बीतेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, उनकी भी जरूरतों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा तालमेल बनाने का प्रयास करिएगा। हर विवादित मामलों में आप विजय प्राप्त करेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी हो वहां पे आपको विजय प्राप्त होगी। आपके चेहरे का आकर्षण, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास आपकी पहचान होगा। आप 10 लोगों में खड़े हो या 100 लोगों में खड़े हो, आपकी एक अलग पहचान होगी और लोग आपसे बात करना, आपके साथ समय स्पेंड करना पसंद करेंगे। आप बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं, यदि आपका कुछ ऐसा काम है तो आप हजारों लोगों को चाहे संबोधित कर रहे हो या लाखों लोगों को, तो वह जो आपकी सभा है
है वह भी सक्सेसफुल रहने वाली है। यदि आप राजनेता हैं या राजनीतिक दुनिया से जुड़े हैं या धर्म प्रवक्ता हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपनी सभाओं में, तो वहाँ पर भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अविवाहित हैं तो इस व्यस्तता के दौर में आपके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और प्रेम संबंध ही आपके विवाह का एक रास्ता तय करेंगे। यानी कि इस समय में जो आपकी प्रेम संबंध बनेंगे या मित्रता बनेंगे और आप लोग आगे सीरियस होकर विवाह भी कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। लव मैरिज के चांस यहाँ पर प्रबल होते दिखाई पड़ रहे हैं। आप कम उम्र में कोई बड़ा काम करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार, एक नहीं अनेक सफलताएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं इन दो तारीखों में। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, बेहतर समय है आपके लिए। छात्रों को शिक्षा से लाभ होगा, धन कमाने के लिए विदेश यात्रा के अवसर भी आपको मिलेंगे, विदेश से जुड़कर भी आप लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। जब बहुत सारी सफलताएं हमें मिलने लगती हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो नंबर एक, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको अहंकारी नहीं होना है। सफलता हमेशा अहंकार दे देती है और आप गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, इन सबसे बचना है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है और झूठ बोलने की प्रवृत्ति से बचना है। इसके साथ साथ घर परिवार, बच्चे, आपके जो और माता पिताओं के साथ जो संबंध है, भाई बहनों, उसका एक तालमेल बिठा के रखना है और अपना भी ख्याल रखना है, उनका भी ख्याल रखना है। तो यह सुनहरा अवसर है आपके लिए, क्योंकि मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए वैसे ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन उस बेहतरीन में से दो सफलता के मोती भी आपको मिलने वाले हैं। तो इन दो मोतियों को आप बिल्कुल लाभ उठाइए और अपनी किस्मत को इन दिनों में चमकाने का पूरा प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस समय का सदुपयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाले निशान को दबाएंगे। हरिओम, नमस्कार।